बहुत बद्दा लग रहा है, वापस आ जा। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और यार कई दिनों बाद मिल रहा हूँ भाई आप लोगों से। कोई नहीं यार, किसी कारण से व्लॉग जो भी अपनी वीडियो से नहीं आ रही थी, छोड़ो उस चीज को। तो यार आज मैं जा रहा हूँ यार इल्यूजन म्यूजियम, जो कि सीपी में दिल्ली में है। काफी टाइम से सोच रहे थे जाने की, बट नहीं जा पा रहे थे, जिसमें कि हमारे नियर बाय है, ज्यादा दूर नहीं है। तो चलो कोई नहीं, आज होकर आते कैसा क्या कुछ है। और आज का व्लॉग मैं अभी गाड़ी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यार अभी बेसिकली मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस, उसके बाद अपने भाई लोग जो भी अपने यार दोस्त हैं उनके साथ फिर हम निकलते हैं इल्यूजन के लिए। तो तब तक के लिए आप इतने रोड एंजॉय करो यार। यार दिल्ली के तो भाई ये हालात है, इतना जाम लगा पड़ा है तब से, कति बिल्कुल पेच फंसे पड़े हैं बिल्कुल। देखो लाल हुई, हरी तो हुई है यार लाइट। गाइस सीपी का व्यू चेक आउट करो यार। तो यार ऐसा कुछ इसकी एंट्री है म्यूजियम की। चल सो गाइस हमने एंट्री ले लिया भाई म्यूजियम में। ये हमारे भाई है, तो भाई एक हमारा तीसरा पार्ट रहता है यार, वो थोड़ा बीमार पड़ गया ना, उसके फीवर हो गया यार, वो आ नहीं पाया। बाकी कोई नहीं, हम एक से दो भले तो दिखाते यार यहाँ का कैसा क्या कुछ है। अभी टिकट बताइए, इन्होंने 690 की टिकट काउंटर पे जा रहे हैं। टिकट लेने के भाई टिकट 690 पर है सर, एक घंटे के लिए। भाई एंट्री कुछ इस टाइप का, ऐसा कुछ। चल भाई पहले कहाँ चले गए बता, पहले कहाँ चले तो चेक करते क्या है। सो गाइस चेक करो यार, ये दिमाग घुमाने वाली चीज है भाई। डिस्क है, डिस्क देख लेगा तू, चक्कर आने लग जाएंगे थोड़ी देर में। चेक करो, कुछ नहीं आया। वॉट एक्सटर्नल क्या है ये है भाई, ओए ओए रुक 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 रुक, ये भाई ऐसे कुछ है, तू वहां बैठ जाके। कहां पे? वहां सामने बैठ। अच्छा चेयर है ये, नेक्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं। कटारिया साहब कितना ज्यादा हो रहा है? अरे क्राउड बहुत ज्यादा, भीड़ इतनी ज्यादा है ना कि मतलब हम भी सोच रहे कि कैसे घुसे कैसे नहीं। ये देखो यार ये खिड़की है, ये खिड़की यहाँ से पिक्चर ली जाएगी बड़े छोटे। आप छोटे दिख रहे हो, वो बड़े दिख रहे हैं। भाई हमसे नहीं गलती होगी, सैटरडे ये यार भाई बराबर आ रहे हो यार, सैटरडे संडे अवॉइड करना क्योंकि क्राउड देख ही रहे हो यार आप। ये देखो ये भाई साहब, ये उल्टा लटका दिया हमारा टेम्पो है ना भाई, जा तू भी हाथ उठाओ इसको टेम्पो को। हमारे कटारिया साहब पूरा ऑटो उठा के मानेंगे। तो भाई हमारी फोटोग्राफी मैडम ने कर दी है, ठीक है, और रिजल्ट हम आपको फोटो में डाल देंगे। कैसे कैसे लेगा? अब इसकी एंट्री देखो भाई, ये क्या है देखो, ये है टिकट रूम, ऐसा कुछ है, इतना टिल्ट क्या होगा भाई ये। जाके देखू क्या? जाए पर जा है क्या, ये समझ में नहीं आ रही है। तू नाम क्या है? तुम ना तो गया भाई, तो वही चढ़ाई है, तो टेढ़ा टेढ़ा सा लग रहा है इसमें। ये देखो फिर बजा फिर बजा फिर बजा, तू आ जा। ये कुछ नहीं, मैं ये इतना मूव करोगे ना, तू आ जा अंदर 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 अंदर। ये देख मोटा भाई, और झुक भाई। भाई इन्फिनिटी वॉल नेक्स्ट हमारा, ये है भाई ऐसे ग्रीन कलर में, ये
हम गिर नहीं पा रहे ना शीशा, अगर टूट गए ना तो बहुत नीचे सोई में घर आ रहे तीन है वो डंडे डंडे एक दो तीन तीन चार तीन है देखो ये दो ही है दो ही है और नीचे मिरर लगा रखा है और ये दिमाग खराब करने का ऐसे ऊपर कर रखा है ये सिर्फ और सिर्फ पागल बनाने की मशीन है इन्होंने 690 रुपए हमारा पावर बनाने के लिए लिया अब इधर चले कहीं तो चले ये टनल है ना टनल अच्छा टनल अब रोहतांग टनल की बारी भाई तो ये तगड़ी चीज है भाई ये चीज चल चल सब फायदा है पहले सोचा था कि बाहर रहिए ओ भाई ओ दिमाग खराब हो गया रे सर ना मेरा सब कुछ घूम गया भाई इस वीडियो को आप थोड़ी देर कंटिन्यू देखो ये आपको फील नहीं हो रही होगी बाकी बड़ा दिमाग खराब करने वाला आइटम है देखते भाई क्या क्या है बाकी मैं गिर क्यों रहा हूँ ये घूम रही होए बॉल में छोड़ दियो तो भाई फोन छूटेगा भाई तू बाहर हो गया क्या देख ऐसा नहीं लग रहा है ग्रिल ग्रिल ऊपर बाकी तेरी टी शर्ट चमक रही है मेरे को तो ऐसे लग रहा चक्कर आ गया देखो देखो पीछे घूम गया देखो ऐसा लग रहा हूँ घूम के हाँ ये बढ़िया था तो भाई आ जा ये देखो ये सब बकवास है यार ये भाई देख उठ ये है तगड़ी खतरनाक चीज देख यहाँ कुछ नहीं दिख रहा ये देख ये बंदा दिख गया भाई छोटे लाल क्या कर रहा है ये तगड़ी है भाई नो स्मोकिंग जोन है अच्छा ये हमारे चाचा सिगरेट ये सिगरेट पी रहा है क्यों पी रहे हो भाई भाई वाह वो 3D है देख हां ऐसा लग रहा ना कि सच में बैठा हूं हां बंदा निकल के आएगा भाई ये कैमरा ना इस चीज को कैप्चर नहीं कर रहा बाकी बंदा ऐसा लग रहा बिल्कुल जैसे भाग निकल रहा मुझे ये भाई पता क्या कर रहा है मुझे क्या है भाई छन से जो टूटे कोई सपना बताओ तो सही क्या करना है हाँ बताओ बताओ अच्छा कोई नहीं तू कह रहा मैं दिख रहा हूँ देख ही नहीं समझ गया तो अपना हाफ कर ले हाफ फेस कर ले है परली तरफ जगह है कुछ फेस फेस उधर कर ले थोड़ा सा आधा हो जा आधा फेस उधर कर ले हाफ हाँ ठीक है ये तो कड़ा रहा ये क्या है भाई दस मुंह वाला चला जा इधर आ जा अब भाई मेरी फेस उधर दो हाँ आप ठीक है पैर भी करूँ कुछ नहीं पैर ठीक है हाँ ये ठीक है बहुत बद्दा लग रहा है वापस आ जा चल चल हो गया हमारी सिमेट्री ये भाई मजे ले रहा है ये गुस्सा हो गया यार ये गुस्सा हो गया कह रहा मैं दिख रहा हूँ मैं हाँ दिख रहा हाँ भाई दिख रहा है कल तो हम बहुत देर से रहे पर पब्लिक जाने देगी तो एक एक बंदे के लिए शायद है इनफिनिट रूम है भाई उसमें ऐसा कुछ भी हुआ ऐसा लाइक दिस तो हम भाई इसके इनसाइड आ चुके हैं और ये ऐसा कुछ है ओ भाई देख चारों तरफ हम ही हम दिख रहे हैं भाई ओ एंगल बता भाई कुछ बढ़िया सा फोन दिया चल अभी यार इसका रिजल्ट मैं फोटो को ना डाल दूंगा ये तगड़ी चीज है यहाँ पे ना पत्ते खेल चल तू जा पहले मैं
हाँ भाई पत्ते पत्ते गिनते भाई क्या ये चेक करो भाई ये अलग ही कुछ है ये अच्छा है इसका नाम है भाई बिल्डिंग लेजर ये चेक करते क्या है अरे शूज निकालने पड़ेंगे आ जा भाई फोटो लेनी पड़ेगी इसमें है क्या दूसरी इधर आओ ले लेंगे ना चीज है भाई क्या है ये क्या नाम है इसका इसका सारा यहाँ दिख रहा था मेरे को स्वैप स्वैप नोसिस भाई ये तगड़ी चीज है इसका रिजल्ट ना मैं जरूर डालूंगा और किसी का डालू ना डालू सारे में मिरर है अभी हमारा फाइनल सेक्शन है सेक्शन 3 और इसमें ऐसा कुछ है पता नहीं क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा अपनी आंखें चेक कराए ना आके चेक करा भाई येलो को येलो को येलो लिखा है बट है ग्रीन ब्लैक ब्लैक नहीं है पर्पल पर्पल नहीं है ठीक है ऑरेंज भी नहीं है हाँ तो कलर अपने हाथ से बदलने शुरू कर दो येलो ये कलर होता है ब्लैक ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई ठीक है बहुत तगड़ी चीज है एक ये देखो यार ये पता क्या है और ये देखिए साइड से ऐसा ये है भाई कलाकारी और दूर से देखते तो लगता किसी के गेट से सारे खतरनाक कैसा लग रहा है कटारी साहब भाई ऐसा लग रहा है रावण में ही हूँ तो भाई सेक्शन 3 के सब आउट हो गए ये हमारी एग्जिट है तो भाई अपन आ चुके हैं इलिजन से कैसा रहा बताना कैसा रहा मेरा तो ठीक था इतना कुछ खास नहीं था खास भी नहीं था ठीक है नॉर्मल ओके बट हाँ जो जितनी इनकी टिकट प्राइस है वो जस्टिफाई नहीं हाँ वो जस्टिफाई नहीं वो नहीं सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं भाई इल्यूजन म्यूजियम में से और दोनों भाई अपने भाई घूम लिए सीपी में थोड़ा बहुत कुछ खरीदना था खरीद लिया बाकी भाई एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट टाइम भाई ठीक था बट ओवरकॉस्ट है हाँ यार 700 रुपये जस्टिफाई नहीं करता जस्टिफाई नहीं दो तीन सेक्शन बना रखे हैं बाकी हाँ ये है कि पर वो यार बच्चे भी लेकर आओगे तो भी साढ़ा महंगा बहुत बैठ जाएगा फैमिली के साथ भी बहुत महंगा है बाकी कॉस्ट इतनी इसकी वर्थ नहीं है इतना इन्होंने चार्ज किया हुआ 690 ठीक है वीकेंड टाइम एक्सपीरियंस ठीक है वन टाइम ले सकते हो बाकी ये नहीं है कि हाँ देखने लायक बट फिर भी यार क्राउड तो सारा पे क्राउड बहुत था सैटरडे संडे कभी मत आना कभी भी और वीकडेज में भाई इसकी जो टिकट प्राइस है वो 650 रहती है बाकी आ तो देख लियो 690 है बाकी बताना अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगी हो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तब तक के लिए राम राम भाई राम राम।